भावना, आपका स्वागत है डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट मॉड्यूल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू देख लिया, अपनी वेबसाइट भी बना ली, वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बन गई। नाउ लेट्स सी अंडरस्टैंड दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज SEO। SEO इज नथिंग बट मेकिंग योर वेबसाइट फ्रेंडली एज पर द सर्च इंजन गाइडलाइंस। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर या फंक्शनलिटीज होती है जो आपको इन्फॉर्मेशन पूरे इंटरनेट से खोज के दे रहा है। मीन्स गूगल में जब आप सर्च करते हो तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं वो पूरे इंटरनेट पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स, वीडियोज, ऑडियोज हैं, वहाँ से मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर करके आपके पास अवेलेबल होती है। सो दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू दी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसमें आप गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में ओपन करते हो और वहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो किस तरह के कंपोनेंट्स आते हैं जो लोकल रिजल्ट्स होते हैं। सो वी विल लुक इनटू दैट प्रैक्टिकली कि व्हाट इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन रिजल्ट पेज, व्हाट इज सर्च इंजन विच गिव्स रिजल्ट अक्रॉस द इंटरनेट। पूरे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सर्च इंजन में इंफॉर्मेशन मिलती है। How search engine work? Search engine work in three steps. First is called crawling, second is called indexing, and third is called ranking. Crawling is nothing but collecting information from the different sources. आपकी वेबसाइट पे जाके सर्च इंजन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, दैट इज क्रॉलिंग, एंड कलेक्टिंग कीपिंग दोज इंफॉर्मेशन इन द इंडेक्स। इंडेक्स में उस इन्फॉर्मेशन को टैग करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, उस इन्फॉर्मेशन से डुप्लीकेट कंटेंट को रिमूव करना, एरर वाले कंटेंट्स को हटाना, दैट इज द जॉब ऑफ इंडेक्स। एंड रैंकिंग, उस इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जब कोई बंदा सर्च कर रहा है, जब आप गूगल में सर्च कर रहे हो तो उस इन्फॉर्मेशन को रैंक कर एक ऑर्डर में रैंक करना इज द रैंकिंग। सो वी विल लुक इनटू दैट हाउ सर्च इंजन वर्क एंड व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द सर्च इंजन। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। क्रॉलिंग इज कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट इज इंडेक्स एंड फॉलो। इंडेक्स एंड फॉलो मीन्स जो आपकी पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उठा करके इंडेक्स में डालना, और आपकी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं, जो लिंक्स हैं, उनको फॉलो करना। सो दैट इज क्रॉलर का जॉब होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको इंडेक्स करना और उस पेज पे जो भी लिंक्स हैं उनको फॉलो करना। सो दिस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ क्रॉलर। सो और इंडेक्स का क्या काम होता है? गूगल के पास बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, उन सारे डेटाबेसेस में यू मे से दैट कि सेपरेट सेपरेट डेटाबेसेस होते हैं, इमेजेस के लिए अलग होते हैं, वीडियोस के लिए अलग होते हैं, मैप्स के लिए अलग होते हैं, न्यूज़ के लिए अलग होते हैं। तो आई विल शो यू कि ये सारे के सारे डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं एंड हाउ गूगल वर्क्स ऑन दैट डेटाबेसेस। और ट्रैफिक इज आपकी वेबसाइट में जब यूजर्स आपके वेबसाइट पे लैंड कर जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। अभी सर्च इंजन में कोई सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट टॉप में आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड इंप्रेशंस। लेकिन अगर उस वेबसाइट पे क्लिक करके कोई आपकी वेबसाइट पे चला आया, दोज विजिटर दैट क्लिक इज टर्म्ड एज ट्रैफिक फॉर योर वेबसाइट। सो वी विल लुक इनटू दैट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। द ट्रैफिक कम फ्रॉम द सोशल मीडिया, देन द सोशल मीडिया ट्रैफिक है, सर्च इंजन से ट्रैफिक आ रही है, ईमेल से ट्रैफिक आ रही है, लाइक लिंक्डइन से ट्रैफिक आ रही है, ट्विटर से ट्रैफिक आ रही है, फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है, यूट्यूब से ट्रैफिक आ रहा है। सो दैट दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। अब कोई ट्रैफिक आती है इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, इफ समवन इज लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन दे आर कमिंग टू योर वेबसाइट फॉर द इन्फॉर्मेशन, सो वो इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रैफिक आती है। बहुत सारी वेबसाइट आती है वो कंपेरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, लाइक दे हैव टू बाय द प्रोडक्ट एंड दे वांट टू कंपेयर द प्रोडक्ट, सो दैट वो कंपेरेटिव कंसिडरेशन वाले ट्रैफिक होते हैं, कन्वर्जन वाले ट्रैफिक होते हैं, जो मोर और लेस रेडी हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी हैं। तो वो उनका इंटेंशन जब वो सर्च कर रहे हो तो उनके सर्च टर्म्स से उनकी इंटेंशन की क्लैरिटी मिलती जाती है। सो इन्फॉर्मेशनल ट्रैफिक, कंसिडरेशन ट्रैफिक, कंपेरेटिव ट्रैफिक, कन्वर्जन ट्रैफिक, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक। लेकिन ट्रैफिक को लाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूजर जो यूजर है, जो विजिटर्स हैं,
वो क्या कीवर्ड गूगल में सर्च करते होंगे, सर्च इंजन में क्या कीवर्ड सर्च करते होंगे, सो व्हाट इज दैट कीवर्ड। तो सर्च इंजन में जो यूजर सर्च करते हैं, जो वर्ड एंटर करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड सर्च क्वेरी, और उसी को जनरल भाषा में हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं और की फ्रेजेस भी बोलते हैं। मल्टीपल कीवर्ड्स कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड की फ्रेज, और कीवर्ड सिंगल वर्ड इज कीवर्ड। एंड गूगल में जब हम इसको सर्च कर रहे हैं तो गूगल टर्म और सर्च इंजन टर्म डिट एज अ सर्च क्वेरी। तो गूगल का मतलब ये हो, गूगल सर्च क्वेरी इसलिए बोलता है कि समवन इज एंटरिंग द वर्ड हिज और हर इंटेंशन नॉट टू लुक फॉर दैट वर्ड। अगर आप गूगल में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंटर कर रहे हैं तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट वर्ड, इन फैक्ट यू आर लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन, यू हैव सम क्वेश्चंस, यू हैव सम क्वेरी, यू वांट टू आंसर दैट क्वेरी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो सर्च ट्रैफिक जो कौन सा कीवर्ड आपको किस तरह के ट्रैफिक ला के देगा। तो यू शुड थिंक अबाउट योर यूजर्स, आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि एक्चुअली किस कीवर्ड से किस तरह की ट्रैफिक आ सकती है, एंड यू विल सेलेक्ट दोज कीवर्ड फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स, जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी जेनरिक कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अ लिटिल बिट लॉन्ग टेल कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, सो अगेन अ वेरी स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा फॉर जॉब प्लेसमेंट, सो अगेन अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड। रूट कीवर्ड, हर पेज का एक कीवर्ड्स का अलग स्कोप होता है, तो हर पेज के जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं रूट कीवर्ड। उस रूट कीवर्ड में जब आप सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करके लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कॉम्परेटिव स्टडी करने के लिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, सो दैट इज दे आर लुकिंग फॉर दी सम कॉम्परेटिव स्टडी, सो उनको कहते हैं कॉम्परेटिव कीवर्ड। इंटेंशनल, बाइंग इंटेंशन वाले कीवर्ड, मीन्स बाय आर ओ इन नोएडा, तो दैट मीन्स कि दे मोर और लेस दे आर रेडी टू बाय द आर ओ। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स एंड हाउ वी नो कि कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए। सो वी कैन फॉलो द प्रोसेस, देर इज अ टूल कॉल्ड गूगल कीवर्ड प्लानर, ये गूगल का पेड, जो गूगल में पेड एडवर्टीजमेंट चलाते हैं उस पेड एडवर्टीजमेंट के प्लेटफॉर्म में एक कीवर्ड रिसर्च टूल इंटीग्रेटेड होता है। ये टूल यूज करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कहीं कोई पैसे नहीं लगते, बट दिस टूल इज अवेलेबल इन द गूगल पेड एड प्लेटफॉर्म। सो द टूल नेम इज गूगल कीवर्ड प्लानर, और इस कीवर्ड टूल प्लानर के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और कितने लोग उसकी कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कितने लोग सर्च कर रहे हैं, और इंटरनेट मार्केटिंग कितने लोग सर्च कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट द सर्च वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ सर्चेस हैपनिंग पर मंथ फॉर दैट कीवर्ड। सो सर्च वॉल्यूम हमें पता चल जाता है, उसके मोर और लेस कॉम्पिटिशंस पता चल जाते हैं। कॉम्पिटिशंस का मतलब हो गया कि उस, चूंकि हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर रहे हैं तो प्लानर में जो कॉम्पिटिशन बताता है वो एडवर्ड का कॉम्पिटिशन बताता है। सो नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स रेडी टू डू एडवर्टीजमेंट फॉर दैट कीवर्ड। सो गूगल कीवर्ड प्लानर प्रैक्टिकली अभी हम लोग यूज करेंगे, एंड कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस यू कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज यू कैन कलेक्ट द कीवर्ड, यू कैन गेस दैट कि आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए यूजर क्या क्या सर्च कर सकता है, तो वो सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आप बना सकते हो। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप इज कलेक्ट द कीवर्ड फ्रॉम योर ओन गेसेस। आस्क, आप अपने कंपनीज, आप कंपनी में लोगों को, कस्टमर केयर के टीम के साथ, या कस्टमर से खुद आप पूछ सकते हो कि आप गूगल में क्या सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से कीवर्ड के आइडियाज हम कलेक्ट करते हैं, फिर उन कीवर्ड्स को जब आप गूगल में सर्च करते हो तो गूगल कुछ सजेशंस भी देता है, उसको गूगल सजेशंस बोलते हैं। तो गूगल सजेशन से कीवर्ड आइडियाज लेते हैं, गूगल कॉम्पिटिशन से कीवर्ड आइडियाज लेते हैं, मीन्स आपने जब सर्च किया तो गूगल के जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं वो टॉप 10 वेबसाइट ने अपने टाइटल में, URL में, डिस्क्रिप्शन में क्या कीवर्ड यूज करके रखा हुआ है, तो वो कीवर्ड्स आपके क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स के कीवर्ड, आप वहाँ से भी कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं। जब गूगल पे आप पूरा सर्च कर लेते हो तो नीचे कीवर्ड के सजेशंस भी आते हैं, दैट इज कॉल्ड सजेस्टेड कीवर्ड, वहाँ से भी हम कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं। इन सारे डिफरेंट सोर्सेस से जब कीवर्ड के आइडियाज कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट टूल यूज
यूज़ करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर या LSI ग्राफ और keywordtools.io या KW फाइंडर, ये टूल्स हम लोग देखेंगे। इस टूल्स के थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे एंड देन वी कैन सी कि हर कीवर्ड में नंबर ऑफ सर्चेस कितनी हो रही है, दैट नंबर ऑफ सर्च वॉल्यूम, एंड उन सर्च वॉल्यूम में कॉम्पिटिशन कितना है, मीन्स कितने लोग उस कीवर्ड पे SEO कर रहे हैं। सो वी विल लुक इन टू दैट कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस में। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कीवर्ड मिक्स, वंस यू अंडरस्टैंड कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, यू हैव टू यूज द ऑल काइंड ऑफ कीवर्ड ऑन योर वेबसाइट। सो इफ समवन इज लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपके पास होने चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होने चाहिए जिसमें आप वो कीवर्ड यूज़ कर पाओ। इफ़ समवन इज़ रेडी टू बाय तो उससे रिलेटेड कीवर्ड भी आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। सो यू सेग्रीगेट दैट कीवर्ड कि अच्छा ये प्राइमरी कीवर्ड है, इस प्राइमरी कीवर्ड से इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड और कॉम्पिटिटिव कीवर्ड और इंटेंशनल कीवर्ड और बाइंग कीवर्ड हम निकालते हैं, उसमें सफिक्स प्रीफिक्स सिनोनिम्स ऐड करके और वेराइटीज़ ऑफ कीवर्ड्स निकालते हैं और फिर इस कीवर्ड को यूज करके हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले आके देखते हैं कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रैक्टिकली। थैंक यू सो मच, लेट्स अंडरस्टैंड।